कोटद्वार में देशव्यापी विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस दौरान संकल्प यात्रा कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों ने विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा ऐसी जरूरतमंद और पात्र नागरिकों के लिए शुरू की गई है जो किन्हीं कारणों से शासन की योजनाओं और उनके लाभ से वंचित रह गए हों। वंचित लाभार्थियों तक ही शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना इसका उद्देश्य है और उनके जीवन में खुशहाली लाना विकसित संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। कोटद्वार से राजेंद्र खंतवाल की रिपोर्ट। सभी ने पहले घोषणा किया कि 2047 तक हम पूरे भारत को एक पूरे भारत को हम एक विकसित देश के रूप में देखेंगे और ये जो यात्रा यहाँ से शुरू हुई है आज कोटद्वार में, ये 3-4 दिन यहाँ रहेगी। जो कार्यक्रम सरकार, भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार चला रही है अपने भाइयों और बहनों के लिए, जो गरीब हैं, जो जिनके पास कुछ नहीं है, उनके लिए जो ये यात्रा चल रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इससे लाभ लेगी, जानकारी लेगी और जिस जो हम सोच रहे हैं कि विकास की ओर बढ़ेगी वो इस यात्रा से अवश्य होगी।